स्वामी श्रीज किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे ढाबा स्टाइल बैंगन मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लेंगे 2 कप पानी। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। अब लेंगे बैंगन, इसमें हमें मसाला भरना है, इसीलिए हम बैंगन को इस तरह से कट कर लेंगे। याद रखिए, बैंगन को हमें पूरे नीचे तक कट नहीं करना है, बस आधे तक ही हम इसे कट कर लेंगे। अब हम बैंगन को डालेंगे नमक वाले पानी में ताकि ये काले ना हो जाए। तो चलिए अब बनाते हैं बैंगन का मसाला। यहाँ हम लेंगे 1/2 कप बारीक कटा प्याज, 1 बड़ा चम्मच ग्रेटेड कोकोनट यानी किसा हुआ नारियल, 3/4 कप मूंगफली पाउडर, इसे मैंने थोड़ा दरदरा ही पीस लिया है, 1 चम्मच महाराष्ट्रियन गोड़ा मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच कोल्हापुरी लाल तिखट यानी रेड चिली पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो बस अब सारी चीजों को हम मिला लेंगे। ये मसाला बहुत ही चटपटा और स्पाइसी बनता है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ कढ़ाई में हम लेंगे 1 चम्मच तेल। जब तक कि ये तेल गर्म हो रहा है, हम बैंगन में मसाला भर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, इसी तरह से आपको मसाले को बैंगन में भर लेना है। याद रखिए, जितना हो सके उतना मसाला आपको बैंगन में भर लेना है। अब सारे बैंगन को हम 2 से 3 मिनट के लिए तेल में फ्राई कर लेंगे। अब इस स्टेज पर हम इन्हें 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। बैंगन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम लेंगे 1 चम्मच तेल। तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 8 से 10 करी पत्ता, बचा हुआ सारा मसाला अब हम इसमें डालेंगे। मसाले को तेल में हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये ऑप्शनल है। अब डालेंगे फ्राई किए हुए बैंगन और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी और इसे 1 मिनट के लिए हम ढककर पकाएंगे। तो लीजिए, गर्मा गर्म बैंगन मसाला यहाँ पे बनके तैयार है। तो चलिए अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखा आपने कैसे ढाबा स्टाइल बैंगन मसाला हम कम समय में घर पर ही बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। एंजॉय।